कुछ और प्रैक्टिस हम करते हैं, डिफरेंट टाइप के, देखते हैं। मर्जिंग ऑफ टर्मिनल्स एट सेम पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं ना, अभी कोई थ्योरी नहीं है, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं और मैं एक तो लिखता हूं। समटाइम्स आपको जो दिख रहा है वो हो सकता है कि अदर का बोलें कॉम्बिनेशन लगे, बट रियलिटी में क्या है उसको हम जब देखेंगे कंबाइन करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। हाँ चलिए ऐसा करते हैं, टू इसको मैं लिख रहा हूं ए बी सी एंड डी, ठीक। हाँ find the equivalent resistance between AD and if a वोल्ट बैटरी ए एट पॉजिटिव पोटेंशियल, हाँ 20 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, हाँ थ्रू एंड या टर्मिनल ए एंड डी, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करेंट इन ब्रांच बी सी। हाँ जी, बी से सी का कितना करंट और किधर से किधर है कब, वो दूसरा स्टेटमेंट आपका ये है कि जब ए हायर टर्मिनल पर हम कर दें और 20 वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं, राइट। नाउ पहले तो देखो ऐसे देख के पता ना आपको जो भी समझ में आए, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो क्या है ना कि सर्किट जो होता है वो देखिए लुक के हिसाब से, देखने के हिसाब से नहीं, हम एनालाइज जो करते हैं वो करते हैं पोटेंशियल के हिसाब से। हाँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, जो ए है और ये नॉर्मल वायर है मतलब सी, पता है क्या बोला जा रहा है, वी ए एंड वी सी सेम है, बिल्कुल ठीक है सेम है ना, ये सिमिलरली डी और बी भी सेम है। अगर आप लिखेंगे तो ये रहा ए और ये भी आपका आएगा सीधी, हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। और सिमिलरली आपका जो डी है वही डी है ये नॉर्मल वायर, ये डी एंड बी सेम, हाँ बिल्कुल ना। अब आप इसको कनेक्ट करके देखिए, ए से बी के बीच में 6 ओम है, ए से बी के बीच में हम लोग 6 ओम लिख ले रहे हैं, ए से बी 6 ओम। नाउ बी से सी जो है वो 3 ओम है, हाँ बी से सी 3 ओम है, बी से सी 3 ओम, सी से डी जो है वो 2 ओम है, सी
मतलब ए हाँ जी बिल्कुल एंड अगर आप बात करोगे तो ए से बैटरी कनेक्टेड है, बी से बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, ये सवाल है। अब हम इसको थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करें, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। चलो आप इसको I1 मान रहे हो, इसको I2 मान रहे हो और इसको I3। देखिए जो पूछा है BC का करंट पूछा है, तो BC का करंट पहला तो ध्यान रखिए C से B जा रहा है, करंट जो इसमें जाएगा वो C से B जाएगा। अगर यहां पर करंट आप लिखोगे तो नो डाउट ये जाना शुरू करेगा ऐसे ऐसे, लेकिन इसका जो करंट है जिसको कि हम लिख रहे हैं वो C से B जाएगा, वो इधर से जाएगा और ये I2। आप लिख सकते हो I2 जो लिखेंगे वो VA माइनस VP या D हाँ बाय जो भी है R2 है ना, इसी को R2 मानते हैं। ऑफ कोर्स ये 20 है बाय 3 बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं आप ऐसे कर सकते हो। R इक्विवेलेंट की जहां तक बात है, चलिए इसको हम लोग R1 मानते हैं। ये सॉल्व जस्ट करा था आपको, जस्ट मैं यहां से इतना समझाना चाह रहा था, बट बाकी तो आप एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट आप तीनों का लिख सकते हो या दो दो करके ये दोनों को कर लो फिर। हाँ 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 हाँ जी, R1 R2 R3 हो गया, 6 कॉमन आ जाएगा ठीक है, R इक्विवेलेंट भी 1 ओम आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है ना। तो हमारा जो पोटेंशियल जिसका सेम है जो नॉर्मल वायर से कनेक्टेड है, दे आर कंसीडर्ड एट सेम पोटेंशियल, और हम इसको बिल्कुल ऐसा ट्रीट करके सॉल्व कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। One more. हमें यही बताना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हाँ जी बिल्कुल पिता, क्या करा जाएगा, देखिए बात वही है। हम लोग वापिस से अगर मैं मान लेता हूं कि ये हमारा सी है और ये हमारा डी है, ध्यान दीजिए तो क्या है ना कि ए और डी तो सेम पोटेंशियल पर हैं, हाँ नॉर्मल वायर समझे, तो ए और डी को तो अपन लिख सकते हैं कि सेम ही पोटेंशियल पर है, ए लिख लो डी लिख लो। हाँ ध्यान से, सी अलग है बी अलग है, तो मैं चलिए बी लिख लेता हूं, बी लिख लिया, सी है सी लिख लेता हूं, हाँ ऐसे लिख लीजिए अलग अलग पोटेंशियल। अब देखो ए से सी के बीच में एक आर रजिस्टर है, लिखिए कोई दिक्कत नहीं। सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच में यही बात आ गया, हाँ जी ये हो गया। सी से बी के बीच में भी एक रजिस्टेंस है, सी से डी हो गया, सी से डी हो चुका है,
सी से बी हो चुका है, अब डी से बी बचा है, बी से बी बचा है, हाँ जी, हमें ए और बी ध्यान रखना है। देखिए ये दोनों मिला के आर बाई टू, बिल्कुल हाँ। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां पर लिख देता हूं, ये देखो ए और डी, ये रहा आपका जो भी लिखना है आप लिख लीजिए बी, मैं यहां लिखता हूं, ए डी और बी। एक तो आपको आर है और ये R by 2 हो गया, हाँ जी बिल्कुल R by 2 है, C है और ये रहा आपका B। हाँ आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है R by 2, हाँ सेम है, ये अब सीरीज में आ गया है, A से B के बीच में देखना है, तो अब ये जो चीज है ये आपका सीरीज में आ चुका है, हाँ तो इसको अगर हम लोग लिख लेंगे तो ये कितना आ जाएगा सीरीज में, R प्लस R बाई टू यानी कि 3R बाई टू, और ये अब पैरेलल में हो गए, तो R A भी आप लिख सकते हैं, लिखते हैं यहीं पर, लिख देते हैं R A B लिखोगे तो वो दिस से इसको मैं R1 मान लेता हूं और इसको मैं R2 मान लेता हूं, तो ये आएगा ना R1 R2 by R1 plus R2, that is R into 3R by 2, sorry R plus 3R by 2, हाँ कितना आ रहा है, सॉरी 3R by 5, हाँ बिल्कुल। ये देखिए मेन बात ये है कि आप इसको समझ गए ऐसे कर रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में आ चुका है, ध्यान से टर्मिनल हमें बोला गया है ए एंड क्या बी, तो ए और बी को आप फाइनली रखिए, आएगा ना। एक और क्वेश्चन लिखते हैं छोटा सा, हाँ जी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाँ ऑफ नेटवर्क जो भी दिया हो, फिगर डायग्राम है ना, हाँ देखिए अगर आपसे इतना बोलता है ना तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, हम नहीं निकाल पाएंगे, हमें बताना पड़ेगा क्या किसके बिटवीन, इस चीज को आपको क्लियर करना पड़ेगा, ए बी बोलना चाह रहे हैं या आप ए सी बोलना चाह रहे हैं, हाँ फिलहाल हम दोनों ये करके आपको दिखाते हैं ठीक है ना, या बी सी बोलना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूं ए बी,
तो इसका मतलब ये है कि आप इससे बैटरी कनेक्ट करेंगे, समझ रहे हैं? हाँ, ये टर्मिनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टर्मिनल उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हाँ, अब देखो बात ऐसा अगर आप करोगे ना, तो ये आर ए बी के लिए है, हाँ जी ना, फॉर आर ए बी ए। तो अब देखिए ये दोनों जो हैं वो सीरीज में आ जाएंगे, नहीं आएगा, और ये इसके साथ पैरेलल में। तो आर ए बी के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप देख ही चुके क्या आ रहा है, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बी है, ये सीरीज में आ गए, नहीं आएगा। अगर यहां से जो भी करंट जाएगा तो ये जो सेम करंट इसमें जाएगा, मान लो आई वन, तो ये भी आई वन, तो ये सीरीज में हो गए, और इसके साथ जो है इसको आप ये कितना 2 और 6 8 ओम, ये हमारा है ए और ये रहा बी, और ये कितना है 3 ओम। नाउ अब ये दोनों पैरेलल में है, ए बी के बीच में, समझ रहे हैं? तो ए बी के बीच में पैरेलल में है, तो चलो किसी को भी आर वन आर टू मान लेते हैं। तो आर ए बी अब पैरेलल है, तो दोनों का ऐसे कुछ दो के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन और कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? इसको ही 8 माना है तो कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। नाउ अगर आर ए सी बोलता है तो अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपके सीरीज में आएंगे इसके साथ पैरेलल। डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं, आप बाकी लिख लेना, है ना? और मैं अगर बात करूं फॉर आर ए सी, तो ए और सी के बीच तो बैटरी कनेक्ट होगा, कनेक्ट करना जरूरी नहीं है बट मतलब ये होता है। हाँ, और ये दोनों अब आपके सीरीज में आ जाएंगे, तीन 5 ओम और ये 6 ओम। अब इस बार किसी को भी आर वन आर टू मान लोगे तो आर ए सी जो है अब आपका, ये तो पैरेलल वाला बात तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन R1 R2 अब डिफर कर चुका है, ऑफ कोर्स दोनों आंसर अलग अलग है, राइट ना? कुछ और भी सिमेट्रिकल या कॉम्प्लेक्स सर्किट है, हम उसको भी आगे करते हैं, ठीक ना?